यूपी के जौनपुर जिले के सुईथा कला में समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे ऊर्जा एवं नियोजन राज्य मंत्री एवं शाहगंज के वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव ललई की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शाहगंज विधानसभा अंतर्गत सुईथा कला में पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने तथा कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा भरने ते हुए विधायक सेक्टर प्रभारी सह प्रभारी तथा कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदान सूची से लेकर अन्य कार्यकर्ता सहित विशेष रूप से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय करनी है ताकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जनता की समस्या, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को प्रमुखता से दूर किया जाएगा और नव युवकों की रोजी रोटी तथा रोजगार मुहैया कराना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा। गठबंधन पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बात खुलकर कही है कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। कार्यक्रम को लेकर बैठक ली गई, ये समाजवादी पार्टी की जी रूटीन बैठक होती है विधानसभा शाहगंज की, सुविधा कला के कार्यकर्ताओं की संगठन की बैठक थी जो आज आहूत की गई थी। इसमें पूरी ब्लॉक कमेटी, सभी सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी और फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक थी ताकि आगे मतदाता सूची से लेकर अन्य जो कार्य हैं उसे किया जाए। और क्या निर्देश दिया गया आपके द्वारा? जो पार्टी का निर्देश है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है, वही निर्देश कार्यकर्ताओं के बीच बताने का काम किया गया। ऐसा 2022 के चुनाव को लेकर क्या इसका कोई मतलब है? मतलब तो बहुत निकलेगा जब परिणाम आएगा। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतकर जब आएगी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में, तभी सही मायनों में मतलब का पता जनता को मिलेगा। तभी जनता के सुख दुख क्या हैं, क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं, कोरोना में उन्हें क्या परेशानियां हुई, बेरोजगारों की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, ये दिक्कतें 4 साल से झेल रहे हैं, उनसे निजात तभी मिलेगा जब 2022 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या सपा गठबंधन करेगी 2022 में किसी पार्टी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया कि छोटे दलों को लेकर साथ चलेंगे। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कह दिया। मैं समझता हूँ जब उन्होंने कह दिया तो हम जैसे लोगों को कहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस समय सड़कों की दुर्दशा के बारे में आप क्या कहेंगे? इस समय किसकी दुर्दशा नहीं है? गड्ढा मुक्ति के बारे में, सड़कों की नहीं, किसानों की भी दुर्दशा है, बेरोजगारों की दुर्दशा है, छोटे व्यापारियों की भी दुर्दशा है, विद्यार्थियों की भी दुर्दशा है, कर्मचारियों की भी दुर्दशा है, यहाँ तक कि गाय और भैंस की भी दुर्दशा है। सड़क 10 दिन में ही उखड़ जाती है बनते ही। सड़क बनी के पीछे क्या कारण है? सड़क बनी नहीं रही है। जैसे बनने के मरम्मत के नाम पर, मरम्मत के नाम पर पूरे प्रदेश में जितना बड़ा घोटाला हुआ है और कोरोना में दवाओं के किट के उपकरणों के खरीद में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। कोरोना काल में आपने अपनी निधि से 1,00,000 रुपए CDO साहब को डोनेट किया था, दिया था, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अप्रैल में मुझे प्रशासन ने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पा रहा। मैंने कहा अगर मैं अपनी विधायक निधि से दे दूं तो आप कितने दिन में लगवा देंगे? तो उन्होंने कहा, जिलाधिकारी ने, कि 15 दिनों में लगवा दूं। जी, मैंने अप्रैल में अपनी विधायक निधि से शाहगंज पुरुष अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और पीने के पानी के लिए RO टंकी समरसेबल का इंतजाम करने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता थी अप्रैल में मैंने दे दिया। और पत्रकारों के लिए भी आपने सबके लिए, पत्रकार बीमारों के लिए 1,00,000 रुपए अलग से दिया था आपने? सुनिए पूरी बात, अप्रैल में मैंने पैसा दिया,
मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीतने वाला है, तीन तीन महीने बीत गए, अभी तक ना ऑक्सीजन प्लांट लग पाया न पीने के पानी का इंतजाम अस्पताल में हो पाया। मेरा पैसा देने की बात, प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी, ये इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ये भी दावा करती है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं परसों आश्वासन समिति की बैठक थी, आश्वासन समिति की बैठक में मेरे साथ भाजपा के संडीला के विधायक अग्रवाल जी मेंबर है, उन्होंने मिस्टर अवस्थी साहब के सामने जो टीम 11 के हेड है उनके सामने जब ऑक्सीजन की बात उठी, भाजपा के संडीला के विधायक मिस्टर अग्रवाल जी ने स्वयं कहा कि उनका बेटा अप्रैल महीने में ऑक्सीजन के अभाव में लखनऊ के अस्पताल में मर गया। अब इससे बड़ा सबूत सरकार को और क्या चाहिए? 2022 में आपका क्या लक्ष्य है आपकी पार्टी का? मेरी पार्टी का लक्ष्य है किसान खुशहाल हो, उसकी आय दुगनी हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और नौजवान को जितना वो पढ़ना चाहे उतनी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहे इसके लिए दवा और अस्पताल का अच्छा सरकारी इंतजाम हो, हर व्यक्ति को रहने के लिए घर हो, हर आदमी की रोजी रोटी का इंतजाम हो। धन्यवाद।